और अकमल चल गया। उमर अकमल, देखिए उमर अकमल की कहानी जो है ना, मतलब है ग्रेट टैलेंट बट वेस्टेड टैलेंट, अनफॉर्चुनेटली। और इससे सबक क्या मिलता है सारे प्लेयर्स को, यंगस्टर्स को सबक ये मिलता है कि जब आप खेल रहे हो, अगर आप डिसिप्लिन नहीं है और मुंह पे जिप लगा के अगर आप क्रिकेट नहीं खेलते हैं तो फिर आपके साथ ज्यादती हो सकती है, अनफॉर्चुनेट सिनेरियो है। मेरे पसंदीदा ये प्लेयर थे जब ये शुरू इन्होंने क्रिकेट की, आप बड़ी तारीफ करते थे और आपने एक झलक देखी कि उनमें कितना टैलेंट है, यानी कि हम पाकिस्तान के बॉलिंग अटैक था ये इस्लामाबाद यूनाइटेड का और पखते उड़ा दिया। तो इसमें अब मुझे नहीं पता कि इनका आगे का फ्यूचर क्या है, क्या हमारे एसेट ये बन सकते हैं या नहीं बन सकते, मगर ऑन द डे इससे बड़ा मैच विनर अभी भी शायद पाकिस्तान में नंबर 6-7 पे नहीं हो सकता। आना पापी उमर अकमल दोबारा फार्म में आ गए, उन्होंने आज इस्लामाबाद की गेंदबाजों का बरकस निकाला। उमर अकमल ने सिर्फ आज 14 गेंदों का सामना किया और वो बहुत ही खतरनाक मूड में थे। उमर अकमल ने 14 गेंदों पर 43 रन बनाए। इस दौरान उमर अकमल ने 2 छोके जबकि 5 बुलंद उबाला और बहुत ही आला किस्म के छक्के भी लगाए। उमर अकमल का फार्म में आना सही मायनों में पाकिस्तान के लिए अच्छा है, क्योंकि अगर उमर अकमल को मौका मिलता है और वो इसी तरह की बल्लेबाजी का मुजाहरा करते हैं तो यकीनी तौर पर ये पाकिस्तान टीम के लिए बहुत अच्छा है।